Right, class 2, this is your written work that you people are supposed to do. Question number 1 will be, जैसे मैंने अभी आपको गाइड किया कि आपने अपने घर में से किसी भी एक रूम को डिसाइड कर लेना है, लाइक आइदर द बेडरूम और अ टीवी लाउंज, और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं यू हैव टू फाइंड आउट कि वो सब चीज़ें किस मटीरियल से बनी है, एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन द नोटबुक. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, राइट नेम ऑफ 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल फ्रॉम योर होम. आपके घर में से आपने 10 डिफरेंट टाइप्स के मटीरियल राइट करने हैं. आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द मटीरियल बिकॉज इट्स योर टास्क, आपने अपने घर से फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ, आई एम हैविंग अ टेबल इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई विल राइट टेबल, इट इज़ मेड ऑफ, लाइक हम उस वुड से बना होता तो हम वुड लिख देंगे. देन आप बताएंगे कि अगर कोई स्लीपर्स पड़े हुए हैं तो दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक, तो हम प्लास्टिक राइट कर देंगे. इफ़ यू आर हैविंग अ नाइफ, तो नाइफ आपको पता है उसके आगे से वो जो पार्ट है दैट इज़ वेरी शार्प, वो स्टील का बना होता है और आयरन का बना होता है, तो वी विल राइट अबाउट दैट. सो यू हैव टू राइट अबाउट रबर, जो आप पोनी टेल के लिए रबर यूज़ करते हैं. सो अ फ्यू ऑफ दैम आई एम टेलिंग यू, रेस्ट ऑफ यू यू हैव टू फाइंड आउट, राइट. सो आपने 10 राइट करने हैं. आई हैव रिटन 8, बट यू पीपल आर सपोज टू राइट द 10 बिकॉज ऑफ द नो स्पेस आई हैव मार्क द 8, बट आपने जो है वो 10 तक राइट करना है, ठीक है. सो आई हैव जस्ट मैनेज नंबर 9 and 10 एज वेल. तो आपने भी अभी 1 to 10 डिफरेंट टाइप के मटीरियल्स के बारे में राइट करने हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 विल बी, डू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड 5 थिंग्स दैट कैन फ्लोट एंड 5 दैट विल सिंक. अभी जैसे मैंने आपके सामने वीडियो में एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने कुछ पानी का बाउल लिया था एंड आई जस्ट पुट फ्यू थिंग्स इन देम, एंड यू हैव सीन कुछ ऑब्जेक्ट जो थे वो पानी के अंदर डूब गए थे, जो जिसको हम सिंक होना कहते हैं, और कुछ जो पानी के ऊपर तैर रहे थे जिसको हम फ्लोट करना कहते हैं. आपने भी इसी तरह रैंडमली कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं जिनको हम थ्रो कर सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा. ये ना हो कि टीवी का रिमोट लेकर आप पानी में थ्रो करते हैं, बाद में आपको पनिशमेंट मिले, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. सो यू हैव टू यूज़ योर माइंड एज वेल कि हम किसी ऐसी चीज़ को यूज़ करें जिसको पानी में डालने से नुकसान ना हो, ठीक है. और आपने देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो डूब रहे हैं, दैट आर सिंकिंग, और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर फ्लोटिंग, जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ईच, लाइक 5 आपने फ्लोटिंग में लिखने हैं, फ्लोट कर रहे हैं जो, और 5 आपने राइट करने हैं जो सिंक कर रहे हैं, ठीक है. जस्ट टेक अ वाटर बकेट एंड थ्रो अ फ्यू थिंग्स इन दैम, और फिर आप उसे गेस कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ थ्रो की है और क्या जो है वो फ्लोट कर रही है और क्या सिंक कर रही है. यू कैन टेक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, आप उनको थ्रो करके देख सकते हो कि क्या उनके साथ होता है. और सम थिंग्स लाइक यू कैन यूज़ अ फ्यू थिंग्स दैट आर, जो आप पानी में डालें बट निकालने के बाद उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है. सो टेक अ हेल्प ऑफ योर मदर एंड देन यू कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट. और आपने ये कॉपी पर अपना काम करना है. दीज टू क्वेश्चन फॉर